शादी का भंवरे का जाल आपने कैसे बुना और तुम्हें कैसा लगा जरा हमें बताओ। भंवरी का जाल इट्स अबाउट ये जो भंवरी देवी राजस्थान से थी, नटनी थी, उसकी स्टोरी है। तो मैं इसमें रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मूवी का नाम है भंवरी का जाल। इस स्टोरी की खासियत ये होगी कि हमने काफी ऐसे पहलू दिखाए हैं अपनी फिल्म में जो शायद लोगों को नहीं पता। काफी कुछ पता है कि भंवरी का पता नहीं चला लास्ट में, ये सब न्यूज में जो दिखता है, बट उसके अलावा हमने काफी हमें चीजें बताई हैं जो कि सच में हुई थी राजस्थान में। तो यही है कि जाल काफी डिफिकल्ट है, देखेंगे तो पता चलेगा, कॉम्प्लिकेटेड जाल। पहली बार जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या ये मूवी रियल बेस पे है, आपने क्या सोचा कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी? हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मुझे ऑफर हुई थी फिल्म तो मुझे यही लग रहा था मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने अनफॉर्चुनेटली कभी कोई रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, ये मेरा पहली बार होगा। और जब मुझे फर्स्ट टाइम ये ऑफर आया था तो मुझे काफी डाउट्स लग रहे थे, क्योंकि भंवरी की पर्सनालिटी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी एंड शी इज वेरी, अपनी रियल लाइफ में वो बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी, वो ओवर एम्बिशियस थी, तो मुझे लग रहा था मैं कहीं ना कहीं मैच कर पाऊंगी। फिर वो एक बिल्कुल गांव की गवारन और बिल्कुल नटनी और नर्स और जो जो मैंने उसका घर जाके देखा, तो बट फिर मैं धीरे धीरे जितना कर सकी मैंने काफी कुछ उसकी तरह भूमिका करने की कोशिश किया। इस भंवरे के जाल में आज तो गुलाबो जी भी फंस चुके हैं। हाँ, ये कैसे और कब हुआ? हमारी फिल्म का प्लस पॉइंट है कि गुलाबो जी हमारी फिल्म में कंप्लीट ट्रैक कर रही हैं। उन्होंने अभी तक कुछ फिल्मों में थोड़ा थोड़ा सा डांस किया है, बट हमारी फिल्म में गुलाबो जी पूरा का पूरा ट्रैक कर रही है, पूरा एक इंटरेस्टिंग नंबर उन पे फिल्माया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली भंवरी का जाल की खुशकिस्मती कह लीजिए या इसका प्लस पॉइंट कह लीजिए है, मुझे ये लगता है। और कितने गाने हैं इस मूवी में? गुलाबो जी का भी एक गाना सुना हमने। हाँ, इसके अलावा एक तो टाइटल ट्रैक है जो मुझ पे फिल्माया जाएगा, अभी होने ही वाला है, वो भी कुछ दिनों में जनवरी एंड तक हम कर लेंगे उसको शूट, और काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। बाकी क्योंकि ये आपको पता है रियल लाइफ स्टोरी है तो इसमें इतने गानों की गुंजाइश नहीं है। ये एक गाना है, एक भंवरी का जाल टाइटल है जो कि टाइटल्स पे चलेगा, और बाकी एक आई थिंक बैकग्राउंड म्यूजिक है, बैकग्राउंड सॉन्ग है, वो भी अच्छा है, काफी अच्छा। सुना है कि आप भी सॉन्ग कर रहे हो जो कि मारवाड़ी फोक सॉन्ग है, क्या ऐसा ही है? मारवाड़ी फोक नहीं है ये, इसका टाइटल है, टाइटल सॉन्ग है, इट्स वो देखना आइटम नंबर्स को भी मात दे देगा, इतना अच्छा। तो इसका मतलब इसमें आइटम सॉन्ग भी है? आइटम, हाँ आइटम, मेरे ख्याल से ये भी आइटम ही सॉन्ग है, उस टाइप का ही है, अभी मुझे देखना है क्योंकि मैं अभी आई हूँ। तो मैंने काफी गाना सुना तो बहुत अच्छा लगा, आपने भी सुना होगा, गाना तो काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, थैंक यू सारिका। थैंक यू सो मच।